हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, आपको जस्ट है ना बेल आइकन बटन प्रेस करना है ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए ना वीडियोज अपलोड किए हैं इसके एक्सरसाइज के, तो है ना आपको उसकी लिंक भी है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक, और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है तो आप वहां से भी है ना चैनल पे जाकर भी आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे एंड ओसी के वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड करने वाले, समझने वाले हैं कि उसके आंसर्स क्या होंगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हम एसर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एसर्शन का मतलब होता है इन सिंपल स्टेटमेंट। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड ने ये क्वेश्चन बैंक में दिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में आपको हर जगह पर ये क्वेश्चन पीछे नहीं मिलेगा। आपको एक्सरसाइज के पीछे हर एक लेसन में एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड ने ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं, मतलब आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स का ही पार्ट है, तो हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चंस आ जाए। तो यहाँ पर एसर्शन में, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी है ना बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एसर्शन मतलब स्टेटमेंट होता है एंड रीजनिंग मतलब अगर आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है उसका अगर रीजन का जो स्टेटमेंट दिया वो उसका कारण है तो आप है ना बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोला है कि assertion मतलब यहाँ पर ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। तो ये सही बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड है ना वो यूज किया जाता है, मतलब इसको पार्ट्स में टुकड़े टुकड़े कर स्लाइसिंग मेथड मतलब इन पार्ट्स यूज किया जाता है, डिवाइड कर होल इकोनॉमी को छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड कर उसको फिर स्टडी किया जाता है, तो वो होता है स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, फिर यहाँ पर रीजनिंग में बोला कि स्लाइसिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट्स। इसके पार्ट्स के बजाय ये क्या है, होल इकोनॉमी की स्टडी है स्लाइसिंग मेथड। तो ये है ना गलत है, ये जो है ना स्टेटमेंट जो दिया है रीजनिंग के यहाँ पर, मतलब ये आर स्मॉल अल्फाबेट से इसको कैपिटल अल्फाबेट सॉरी आर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आर आपका है ना फॉल्स है, क्योंकि स्लाइसिंग मेथड में तो इंडिविजुअल पार्ट्स किए जाते हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, आपको एग्जाम में ये है ना पूरा स्टेटमेंट एसर्शन का एंड रीजनिंग का लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली आंसर लिखोगे अपना, वो भी ये आंसर के सारे ऑप्शन नहीं दिखाओगे, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लिखोगे ऑप्शंस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन यहां पर सेकेंड क्वेश्चन है कि assertion में दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। हाँ, तो जनरल प्राइस लेवल जो है उसका डिटरमिनेशन जो है एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है, मैक्रो इकोनॉमिक का। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि रीजनिंग में कि इट डील्स विद डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो प्राइस थियरी के अंडर में आता है, जो कि फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट आपका है यहां पर आर है, ये फिर से आपका गलत है, पहले क्वेश्चन में भी आर गलत था, यहां पर भी आर गलत है। तो आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, आपका जो आंसर होगा, देखो मैंने यहां पे हाईलाइट किया लेकिन आपको हाईलाइट नहीं करना है, आपको ये पूरा का पूरा ऑप्शन उठाकर आंसर टू आपको लिखना होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहां पर आपका होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स आपका आंसर होगा। देन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 एसर्शन में दिया है कि यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब आपकी
कितनी इच्छा है, द ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, ये वाली बात है। और अगर आपको अर्जेंसी कम है तो आपकी यूटिलिटी भी डिमिनिश होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि भाई हाँ, ये इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट पे डिपेंड करता है, ये इसका फीचर है यूटिलिटी का। देन रीजनिंग में यहाँ पर दिया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, तो ये भी इसके है ना फीचर्स के अंडर में ही आता है यूटिलिटी के। तो ये भी सही बात है कि मॉरली ये कलरलेस कॉन्सेप्ट है, जो यूटिलिटी है वो क्या है, ये जो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है ये कलरलेस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अलग अलग पर्सन के लिए डिफरेंट नेचर डिफरेंट बोथ जो वॉन्ट्स होती है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके का उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ये है ना फॉल्स हो जाता है, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होता है, लेकिन ये है ना इस यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द वॉन्ट इसका कारण नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट इसका ये कारण नहीं है। तो यहाँ पर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट ये भी ट्रू हुआ, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन ये भी ट्रू हुआ, लेकिन ये रीजन नहीं है। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट एसर्शन का, ये रीजन नहीं है। तो आपको है ना यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, मतलब आर मतलब यहाँ पे ये रीजन है ना, आर मतलब यहाँ पर ये रीजन है क्या भाई पहले वाले स्टेटमेंट का, तो नहीं है। देन फोर्थ यहाँ पर दिया है कि एम यू कर्व स्लोप्स डाउन अपवर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप करता है, ऐसे बोला है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो अपवर्ड स्लोप करता है। तो यहाँ पर अपवर्ड नहीं स्लोप करता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है आपने उसका डायग्राम देखा होगा वो डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर नहीं देखा है डायग्राम तो पेज नंबर 13 पे आपको ये डायग्राम दिखाई देगा, तो डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। देन यहाँ पर रीजनिंग में कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो कम कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज, जितना आप है ना इंक्रीज सक्सेसिवली मतलब आप जितना कंज्यूम करोगे उतना वो है ना डिक्रीज होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये जो रीजन है वो तो सही है, मतलब आर जो स्टेटमेंट है आर वाला स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, लेकिन एसर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत स्टेटमेंट है। तो आपको लिखना है सेकंड ऑप्शन आपका फिट करेगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो आपको यहाँ पर लेकिन सेकंड ऑप्शन लेना है कि ए इज फॉल्स, ए मतलब पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है एंड आर मीन्स सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो आपको ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू करके स्टेटमेंट लेना है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देन यहाँ पर दिया है कि ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, तो ये सही बात है, सारे के सारे डिजायर्स को हम डिमांड नहीं बोल सकते ना, क्योंकि डिमांड तो क्या होता है, ताकत भी तो होनी चाहिए ना, पैसा कि पैसा होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की, और साथ में इच्छा भी होनी चाहिए राइट, खाली अर्ज नहीं होनी चाहिए। तो ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड, सारे के सारे डिजायर्स डिमांड है ऐसा कुछ नहीं है राइट। देन सेकेंड यहाँ पर है रीजनिंग की इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में डिमांड मीन्स अ डिजायर, डिमांड का मतलब डिजायर, वो वाली डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस, जो कि है ना विलिंगनेस इच्छा इच्छा एंड एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ना स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है एंड साथ ही स्टेटमेंट आर जो है वो भी सही है, तो बोथ आर ट्रू, हम बोलेंगे कि भाई दोनों ही सही है, और साथ में ये जो आर है ना ये कारण है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ ए स्टेटमेंट का, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, करेक्ट रीजन हुआ कि भाई है ना सारे के सारे डिजायर्स को हम डिमांड क्यों नहीं बोलते, तो हम इसको इसीलिए डिमांड नहीं बोलते क्योंकि है ना सारे डिजायर्स डिजायर कर लेना, मतलब आज अगर कोई बोलेगा कि मुझे BMW कार चाहिए और उसकी ताकत ही नहीं है वो BMW कार खरीदने की, भाई घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, BMW कार कहाँ से लेंगे, तो फिर वो तो डिजायर हुई ना, वो डिमांड नहीं हुई, इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू हुआ एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आपको सिलेक्ट करना है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको इसको ऑप्शन को लिखना होगा कि ऑप्शन 3 बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा इस तरीके से, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पर अंडर द एक्सेप्शनल केसेस डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप. तो एक्सेप्शनल केसेस जब में है ना, डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप करता है. देन उसके बाद में यहाँ पर बोला कि इन एक्सेप्शनल केसेस कंज्यूमर बाइज मोर. तो एक्सेप्शन का जो केस होता है तो उसमें ऑब्वियसली जो डिमांड है वो पॉजिटिवली पॉजिटिव स्लोप होता है उसका, वो अपवर्ड मूव करता है. तो इन एक्सेप्शनल केसेस साथ ही में है ना, कंज्यूमर्स बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस. मतलब है ना, सामान के भाव जब बढ़ते हैं, किसी कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं, तब है ना ज्यादा खरीदता है बंदा. एंड है ना, जब भाव गिरते हैं तो कम खरीदता है. तो ये तो हमने गिब्स पैराडॉक्स में हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर किसी कमोडिटी के भाव गिर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी गिर रही है, राइट. तो ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हुआ. तो यहां पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू है. एंड ये इसी कारण से जब भाव बढ़ रहे हैं तभी भाव इंक्रीज हो रहे हैं, उसी वक्त है ना डिमांड बढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव स्लोप होगा. ये सही कारण है इसका, जो ये कारण है वो सही है. तो हमें लिखना होगा यहां पर कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन यहाँ पर 7 दिया है कि द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो है ना, डिमांड कर्व का जो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसमें होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में होता है. तो आप जब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो उसमें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, जहां पर है ना हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है डिमांड कर्व. एंड यहाँ पे रीजनिंग में दिया कि इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज. तो यहाँ पर ये गलत है, मोर नहीं होता. यूनिटरी में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू द प्रोपोर्शनल चेंज, मोर नहीं आएगा. प्रोपोर्शनल चेंज मतलब उसका इक्वल चेंजेस आता है उसके, मतलब 50% प्राइस गिरे तो 50% डिमांड राइज होगी, ऐसा होता है. तो तभी तो यूनिटरी होता है, वो इक्वल्स टू वन आंसर आता है. तो यहां पर है ना, ये आर तो गलत स्टेटमेंट हो गया. तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. देन नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव करेंगे तो 8th में बोला है कि assertion में कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड measures इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. ये गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व पे नहीं होता है इसमें, ये गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व तो इसमें होता है ज्योमेट्रिक मेथड में, इसमें नहीं आएगा, ये ज्योमेट्रिक मेथड में आता है. तो यहाँ पर मतलब ये आपका रॉन्ग स्टे हो गया, assertion है वो रॉन्ग हो गया. क्योंकि है ना एक्सपेंडिचर में तो क्या होता है कि जो चेंज होता है प्राइस में वो कंपेयर किया जाता है प्रोडक्ट प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में. तो यहाँ पर है ना एट अ पॉइंट नहीं आएगा, एट अ गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कम नहीं आएगा. देन सेकेंड यहाँ पर रीजनिंग में बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड. तो येस, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये आपका ये स्टेटमेंट सही है, मतलब आर आपका करेक्ट है. तो आपको क्या लिखना होगा कि ए false, A is false, क्योंकि है ना ये जो एट अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व वो है ना पॉइंट मेथड में आता है, जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं. रेशियो मेथड एंड आउटलेट मेथड में है ना पॉइंट नहीं आता है. देन नेक्स्ट यहाँ पर assertion विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल. स्टॉक के बजाय सप्लाई, अगर स्टॉक नहीं तो भाई सप्लाई क्या करोगे, ये सही हो गया आपका स्टेटमेंट. देन स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई. भाई अगर आपको है ना स्टॉक सप्लाई करना है तो स्टॉक के अंदर से ही करोगे ना, तो वो सोर्स हुआ उसका. तो यहाँ पर दोनों भी है ना ट्रू है, तो आपको बोथ ए एंड आर ट्रू लिखना है. और साथ में ये है ना स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, ये इसका सही रीजन भी हो गया. क्योंकि स्टॉक है तो आप सप्लाई कर सकोगे, अगर स्टॉक नहीं है तो आप सप्लाई नहीं कर सकते हो. तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आपको लिखना है. देन 10th यहां पर कि द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप्स डाउनवर्ड्स. तो ये जो लेबर सप्लाई कर्व जो लेबर है वो डाउनवर्ड स्लोप नहीं करता है, वो जो है वो अपवर्ड स्लोप करता है. दैट स्लोप्स अपवर्ड जाता है और बाद में वो बैकवर्ड की तरफ आ जाता है, बेंड्स टू द बैकवर्ड है. तो यहाँ पर डाउनवर्ड नहीं बोल सकते हम. एंड देन तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, assertion फॉल्स हो गया. देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर आज टेंड्स टू फॉल. तो ये ट्रू है, जब है ना इनकम वेज बढ़ जाती है, मतलब है ना लेबरर को जो इनकम रिसीव होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी इनकम उतने ही घंटे काम
करने पर तो वो है ना उसके नंबर ऑफ आवर्स मतलब सॉरी उतने ही घंटे नहीं उससे कम घंटे काम करने पर भी अगर उसको उतना ही पैसा मिलता है जितना वो 8 घंटे में काम करता था, जो अमाउंट मान लीजिए उसको 500 रुपया मिल रहा है, वो अमाउंट उसको 6 घंटे काम करने पर 500 रुपया मिल रहा है, तो वो क्या करेगा वो है ना काम का वो 2 घंटे कम काम करेगा ऐसा। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर, तो फिर सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू फॉल, ऑटोमेटिकली जो लेबर सप्लाई है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ए इज फॉल्स हुआ एंड आर इज ट्रू हुआ। देन 11th यहाँ पर कि मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, तो मोनोपोलिस्ट यस वो प्राइस मेकर होते हैं क्योंकि वो सिंगल सेलर होते हैं ना, एंड देन मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, तो वो सिंगल सेलर है मार्केट में, उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो वो अपना खुद का प्राइस है ना डिसाइड कर सकता है एज ही कंट्रोल्स द मार्केट सप्लाई। तो फिर आपका जो ये सही रीजन भी हो गया कि भी मोनोपोलिस्ट इसीलिए प्राइस मेकर कहलाता है, तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू आपको लिखना है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। देन नेक्स्ट यहाँ पर 12th वन कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, तो ये ट्रू है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेन है। एंड देन अंडर मोनोपोलिस्टिक ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, दे जो प्रोडक्ट्स है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बोल सकते हैं हम, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ए ट्रू हुआ बट आर इज फॉल्स, लेकिन आर फॉल्स हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर 13th इंडेक्स नंबर्स आर स्टेटिस्टिकल डिवाइसेस, इनको हम स्टेटिस्टिकल डिवाइसेस बोलते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। एंड देन इंडेक्स नंबर्स मेजर्स ओनली चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये खाली चेंजेस को प्राइस लेवल में चेंजेस को ही मेजर नहीं करते हैं, अदर वेरिएबल्स को भी मोर रिलेटेड वेरिएबल्स को भी ये कंसिडर करता है, उसको भी ये मेजर करता है। तो यहाँ पर ए इज ट्रू हुआ बट आर इज फॉल्स हुआ। देन यहाँ पर 14th वन कि जनरली अरिथमेटिक मीन इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर्स, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। एंड उसके बाद में अरिथमेटिक मीन क्यों जनरली यूज किया जाता है, बिकॉज अरिथमेटिक मीन इज अ सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू द अदर एवरेजेस, तो मतलब ये सही कारण है इसका। तो बोथ ए एंड आर ट्रू हम लिखेंगे, तो थर्ड ऑप्शन होगा इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन इसके बाद में जो 15th है उसमें इन नेशनल इनकम में वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसिडर, खाली जो फाइनल गुड्स है उसी को कंसिडर किया जाता है, उसी की वैल्यू को, एंड तो ये ट्रू हुआ। देन रीजन में बोला कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये भी ट्रू हुआ कि भाई हाँ उसको मॉनेटरी टर्म में ही हम है ना एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो सही हो गया। इसके साथ ये जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया ए का, कैसे क्योंकि है ना ये जो वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको नेशनल इनकम कंसिडर इसीलिए करता है क्योंकि नेशनल इनकम को हम मॉनेटरी टर्म में ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू हो गया एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है रिप्रेजेंट करेगा ओनली उसी गुड्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसको जो एक्सचेंजेबल है मनी के लिए, एक्सचेंजेबल है एक्सचेंज फॉर मनी। देन 16th यहाँ पर है कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये क्या है एक तरफ से अगर हम इसको बोले तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, जैसे पेंशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अलाउंस हुआ, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ऑन वन हैंड ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट हुआ, ऑन अदर हैंड हम बोल सकते हैं ये इंडिविजुअल बंदे की इनकम हो गई, जिसको ये पेंशन मिलेगी उसके लिए वो इनकम हो गई, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा उसके लिए वो इनकम होगी, इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये थियोरिटिकल इसका डिफिकल्टी है, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी भी। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, एंड ट्रांसफर पेमेंट्स ये सही स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम बट आर इज ट्रू कर हम खाली लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो इनमें तो ऑप्शन में आ ही नहीं सकता, ए एंड आर आर ट्रू कैसे हो सकता है, बोथ ए एंड आर ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ए स्ट्रेट अवे आपका रॉन्ग हो रहा है एंड आर आपका करेक्ट हो रहा है। देन यहाँ पर 17th वन कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी इसको खर्चा
करती है, जैसे कि सेंट्रल हुआ, स्टेट, लोकल बॉडीज हुए, एंड ये किसके लिए खर्चा करते हैं, ये किसके लिए स्पेंड करते हैं, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे ये कारण है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड्स एंड प्रमोटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पर जो दोनों भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो हम लिखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड साथ ही ये जो आर है इसका कारण है, इसका रीजन हुआ। तो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 72 पे भी यहाँ पे दिया है कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन, तो ये कारण है ना कि भाई किसी लिए खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन को, उनके इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा कर रही है। देन नेक्स्ट यहाँ पर 18th क्वेश्चन की रेजिंग डेप्ट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो हाँ, ये मोस्ट कॉमन एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि जनरली ये फाइंड किया गया है कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है ना, वो कभी भी है ना कम होती है उसके एक्सपेंडिचर से। तो यहाँ पर रीजनिंग में देखो ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है गवर्नमेंट के उसकी रेवेन्यू से, तो दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू हुए। इसी कारण से ना जो है लोन लेना पड़ता है, रेस करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो ये इसका सही कारण है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका करेक्ट आंसर हुआ। देन यहां पर 19th क्वेश्चन कि क्रेडिट कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कमर्शियल बैंक का नहीं है, ये आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोलर होती है ना, बैंकर्स बैंक है ना वो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकर्स बैंक है, उनके हाथ में पावर होता है क्रेडिट क्रिएट करने का, क्रेडिट क्रिएट करने वाली कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल में करने का। तो क्योंकि ये लोग है ना स्लैब देते हैं, सीआरआर का स्लैब, देन एसएलआर का स्लैब देते हैं कमर्शियल बैंक्स को, तो ये कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है, कमर्शियल बैंक कंट्रोल नहीं करेगी, कमर्शियल बैंक तो क्रेडिट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, ए फॉल्स हो गया। फिर यहाँ पर बोला कमर्शियल बैंक्स क्रिएट डिपॉजिट्स आउट ऑफ लोन्स, तो जो लोन्स में से क्रिएट करती है, डिपॉजिट क्रिएट करती है आउट ऑफ लोन्स गिवन देयर बाय लीडिंग टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो जो जो उनको जो लोन उनके खाते में जो लोन का पैसा आता है उसमें से वो लोग है ना क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते, क्रिएशन करते हैं, जो डिपॉजिट होता है और उनके खाते में जिस पर्टिकुलर बैंक में, समझो किसी बंदे ने लोन लिया तो वो लोन है ना उसके बैंक खाते में डिपॉजिट हुआ, तो वहां से क्या होता है कि उस पैसे को कंपनी जो बैंक है वो क्या करती है, उसमें से कुछ है ना वो सीआरआर मेंटेन करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है, एंड है ना बाकी का वो है ना फिर से वो लोन देने में किसी को किसी ना किसी एक्टिविटी में वो खर्च कर लेती है। तो यहाँ पर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू हुआ। देन यहाँ पर 20th क्वेश्चन है कि स्टॉक एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मनी मार्केट का नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट, वो कैपिटल मार्केट का है। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स इक्विटी एंड डेप्ट को रेज करने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर सेकेंड स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर स्टॉक्स मतलब शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बॉन्ड्स कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग होना मतलब बाइंग एंड सेलिंग होना। तो यहां पर जो है आपका ए इज फॉल्स हुआ बट आर इज ट्रू, तो आपको सेकंड ऑप्शन ये सही आंसर है। देन यहां पर 21 क्वेश्चन में दिया है कि assertion में कि ट्रेड इज एन इंजन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ट्रेड इंजन की तरह ही हो ना, किसी भी इकोनॉमी को अगर है ना ग्रोथ इंजन का काम करता है ट्रेड, बिजनेस अच्छा है किसी भी कंट्री में, एक्सपोर्ट अगर वो ज्यादा अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको फॉरेन करेंसीज मिलेगी, तो उससे उनकी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ट्रेड क्या है, इंजन के जैसे काम करता है, जैसे गाड़ी रेलगाड़ी में कैसे इंजन होता है, तो इंजन से दौड़ती है इकोनॉमी, यहाँ पर ट्रेड इंजन से दौड़ती है। एंड सेकंड यहाँ पर रीजनिंग में बोला है कि ट्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हाँ, अगर है ना ग्रोथ होगा इकोनॉमी का तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो ये जो है ना इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मतलब ये है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तभी तो इकोनॉमी ग्रो होगी, ये सही कारण है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू लिखना है हमको, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए लिखेंगे। देन 22nd यहाँ पर दिया है, लास्ट है ये, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर टू एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन
लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दिया तो ये गलत हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। देन सेकेंड यहाँ पर दिया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या इंक्लूडेड रहते हैं, तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं, जिसमें कि विजिबल गुड्स एज वेल एज इनविजिबल गुड्स, दोनों भी टाइप के गुड्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये जो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें जो आंसर लिखना होगा ऑप्शन में से वो होगा ए इज फॉल्स, पहला वाला गलत है इसलिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस तरीके से आपको आंसर इनके लिखने हैं। तो आई होप आपको ये इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये सारे स्टडी कर लेने हैं, क्योंकि वैसे भी एक्सरसाइज के पीछे नहीं है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल गए हैं, तो प्रिपरेशन कीजिए एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। लेट एवरीवन गेट बेनिफिटेड विद दिस एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करो, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।